हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा मैट्रिसेस का सेकंड लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला लेक्चर में आपको मैंने बताया था बेसिक टाइप्स बताए थे मैट्रिसेस के और उसके ऑपरेशंस भी बताए थे कि मैट्रिस में एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको समझाए थे। ओके, अभी चलते बेटा मेन बात आती है कि मेन कॉन्सेप्ट पे चलते, जो मैट्रिसेस का मेन कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला मेन कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पे कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इन 2x2 फॉर्म, which मैट्रिक बेटा कोफैक्टर इन 2x2 फॉर्म। ठीक है, तो समझो बेटा मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, सिंपल से यहां पे 2, 3, 4, 5 ले लिया। ठीक है, इसका कोफैक्टर करना है। तो देखो बेटा कोफैक्टर मतलब इसको कैपिटल A11 से यूज करते हो। ठीक है ना, A11 मतलब कभी भी याद रखना -1 होल की पावर 1 प्लस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, कैपिटल 1, 2 के अपोजिट में कौन है बेटा 5, तो इसकी वैल्यू क्या आती बेटा -1 होल की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो +1 × 5 बोलो तो A11 की वैल्यू आ चुकी बेटा +5। ठीक है, दूसरी बात A12 मतलब क्या था बेटा कैपिटल A12, तो सेकंड वाला देख लेना ये वाला। ठीक है, A12 का मतलब क्या होता है, माइनस लेना बेटा ऑलवेज, 1 + 2 कौन है ऑड नंबर है। ठीक है, और इसके अपोजिट में कौन आएगा बेटा 4 आएगा, 1 बोलो तो कितना -1 होल की पावर 3 into -1 into क्या था बेटा 4, आंसर विल बी -4। ठीक है, दूसरी बात A21 मतलब क्या था बेटा, यहाँ पे देख लो साइन, इसके अपोजिट देखते हैं अभी -1 होल की पावर 1 प्लस 2 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके अपोजिट में कौन आता बेटा +3, -1 होल की पावर 3 मतलब ये भी ऑड नंबर है, -1 × 3 आंसर विल बी -3। ठीक है, फिर आखिरी वाला देख लो बेटा यहाँ पे A22 मतलब क्या था बेटा, साइन पॉजिटिव आ जाएगा, ध्यान रख लेना -1 होल की पावर 2 प्लस 2। ठीक है, 5 के अपोजिट में कौन आता बेटा +2, तो आंसर विल बी -1 4 पावर 4 मतलब +1 आता, +1 × 2 2, इसी को क्या बोला जाता कोफैक्टर। बार बार इतना करने की गरज नहीं, आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, कभी भी याद रखो बेटा A11 मतलब इवन नंबर जब भी आता है तो उसे पॉजिटिव यूज कर लेना, और A12 मतलब जब भी नेगेटिव कब लिखना है, जब ऑड नंबर आता है ऐड करने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद ऑड नंबर आता तो साइन क्या यूज करना नेगेटिव, एकदम सिंपल से, बार बार वो माइनस लिखने की आपको गरज नहीं। ठीक है, तो आपका कोफैक्टर निकल गया बेटा, क्या निकला बेटा कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या क्या निकला बेटा देखो +5 -4 -3 +2। ठीक है, अगर आपने इसको ट्रांसपोज किया तो क्या आ जाएगा बेटा, ट्रांसपोज मतलब 5 -4 -3 +2, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ये ट्रांसपोज को क्या बोला जाता, एडजॉइंट ऑफ ए बोला जाता, क्या बोलते बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है बेटा 5 -3 -4 और +2, इसी को अपन क्या बोल सकते एडजॉइंट ऑफ ए बोल सकते। एवरीवन क्लियर? ओके, सिंपल सी बात है बेटा, इतना कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखना, अगर आप डायरेक्टली लिखते हो ऐसे लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कोफैक्टर मतलब जो A11 होता है और कैपिटल लिखते हो तो उसे कोफैक्टर बोला जाता, और कोफैक्टर निकालने के बाद उसको अगर आपने ट्रांसपोज किया तो उसको क्या बोलते एडजॉइंट ऑफ ए बोल सकते। ठीक है, अगर समझो एडजॉइंट ए का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हो, कैसे मैं बताता हूँ, एक बार देख लेना, कंफ्यूजन तो बता देना इसमें कुछ। ओके, एकदम सिंपल है, कोफैक्टर बोले तो कोफैक्टर करके उसको ट्रांसपोज किया तो क्या आता बेटा एडजॉइंट ऑफ ए आता। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है, एडजॉइंट ए का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है देख लो, वो भी बताता हूं आपको। अगर 2x2 का कोई एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाना है आपको तो कोफैक्टर निकालने की गरज नहीं, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते, कैसे देख लो, एडजॉइंट ऑफ ए का 2x2 का डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या है बेटा, D-B-C और A, ए बी सी डी बोलो तो, डी बोलो तो 3 -4 -5 +3, डायरेक्ट फॉर्मूला ए बी सी डी, तो डी माइनस बी माइनस सी ए 3 -4 -5 +3। ठीक है, और दूसरी बात कभी कभी क्या होता है बेटा स्मॉल A11 बोला जाता है, स्मॉल A11 का मतलब होता है जो आपके पास वैल्यू है वो लिखना है बेटा 3। ठीक है, स्मॉल A12 मतलब क्या आता है बेटा 4। ठीक है, उसके बाद स्मॉल A21 बोले तो क्या लिखा जाता है बेटा A21, देख लेना 4 बोले तो 5 आ जाएगा, A21 मतलब कौन है बेटा अपने पास 5, और A22 मतलब क्या आता है बेटा +3, क्या लिख सकते हैं बेटा +3।
ठीक है, कैपिटल मतलब कोफैक्टर, स्मॉल मतलब जो आपको मैट्रिक्स में दिया जाता है वो लिखना है, और कोफैक्टर को ट्रांसपोज किए तो डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए का भी फॉर्मूला आता है, वो भी देख लेना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देख लेना बेटा, कोफैक्टर को ट्रांसपोज किए तो एडजॉइंट ऑफ ए भी आता है, ठीक है। इसको अगर आपको माइनर निकालना है, इसका माइनर कैसे निकालेंगे बेटा देख लो, बस माइनर में क्या होता बेटा, साइन चेंज नहीं होता, एम वन वन मतलब, एम वन वन मतलब क्या होता बेटा, थ्री के अपोजिट में कौन है, प्लस थ्री, ठीक है, और M12 मतलब साइन चेंज नहीं करना, फिर 4 के अपोजिट में कौन आता, 5, उसके बाद M21 मतलब 5 के अपोजिट में 4, और उसके बाद M22 बोले तो कितना आता बेटा, 3 के अपोजिट में प्लस 3, इसको अपन क्या बोलते, माइनर बोला जाता है। कोफैक्टर में प्लस माइनस का चेंजेस आते, माइनर में नो चेंजेस, जैसा है वैसे अपोजिट वाले टर्म लिख, जो स्मॉल ए बी सी डी है, स्मॉल ए वन वन मतलब 3 जो क्वेश्चन दिया जाता है वो, स्मॉल ए वन टू मतलब 4, ए टू वन मतलब 5 और ए टू टू मतलब प्लस 3, दिस इज कॉल्ड एज कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स इन 2x2 फॉर्म, व्हिच फॉर्म, 2x2 फॉर्म, ठीक है। आगे चलते बेटा 3x3 पे, कौन सा फॉर्म बेटा, 3x3, आपने 3 कवर कर लिया यहां पे, कोफैक्टर इन 2x2, कोफैक्टर को ट्रांसपोज किए तो क्या आ रहा, एडजॉइंट ऑफ ए आर, ठीक है। और दूसरी बात माइनर भी सी का, जिसमें साइन चेंज नहीं होता, जो साइन है वही लगाना अपोजिट वाले टर्म लेके, जो कोफैक्टर में कैसे लेते वैसे लेते, बट इसमें M11 लेना है और साइन चेंज नहीं करना, कोफैक्टर में साइन चेंज होता है, इसमें साइन चेंज नहीं होता, ये याद रखें, ओके। चल आगे बढ़े, 3x3 वाला देखो, कोफैक्टर इन 3x3, इसमें माइनर भी कर लेंगे अपन, ओके, पहले कोफैक्टर देख लेते हैं, ठीक है, कोफैक्टर मतलब A11, ठीक है, वन के अपोजिट में साइन क्या यूज कर लेता बेटा, प्लस, मैंने ऑलरेडी बताया जब भी इवन नंबर आता तो साइन विल बी पॉजिटिव, ऑड नंबर आता तो साइन विल बी नेगेटिव, तो वन के अपोजिट में कौन है बेटा अपने पास, 1, 2, 4, 5, अपोजिट वाले टर्म लेने हैं, AD माइनस BC, 5 1 5, 4 2 8, आंसर विल बी -3, ठीक है। दूसरी बात, A12 मतलब क्या लगता है बेटा, साइन नेगेटिव लगता, क्योंकि 1 + 2, 3 इज द ऑड नंबर, 2 के अपोजिट में कौन आता, ये लाइन नहीं लेना, अपोजिट वाले लेना, 4 2 3 5, जैसे ये वाला ऐसा लेना, 4 2 3 5, 4 2 3 5, क्या आता बेटा इसका, AD माइनस BC, 5 4 20, 3 2 6, आंसर विल बी +14, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद A13 मतलब साइन क्या लगता है बेटा, पॉजिटिव, किसके अपोजिट में, 3 के अपोजिट में, 3 के अपोजिट में देखो बेटा, 4 1 3 4, 4 1 3 4, AD माइनस BC, साइन विल बी पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरी बात देखो बेटा, यहाँ पे अपने कुछ गलती किया, ये सामने वाला साइन यहाँ पे लिखना था, ठीक है, 20 में 6 14, क्योंकि A12 बोले तो नेगेटिव लगता, तो यहाँ पे -14 लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, इसका तो पॉजिटिव बेटा, 4 4 16, -3, आंसर विल बी +30, ठीक है। उसके बाद A21 बोले तो साइन विल बी नेगेटिव, ठीक है ना, तो 4 के अपोजिट में कितना आता बेटा, आपको ध्यान रख लेना, 2 3 4 5, AD माइनस BC, साइन विल बी नेगेटिव, ठीक है ना, 5 2 कितना बेटा, 10, 4 3 कितना, 12, आंसर विल बी -2, माइनस इनटू माइनस कितना बेटा, +2। उसके बाद A22 मतलब क्या लिख लेता, साइन विल बी पॉजिटिव, ठीक है ना, 1 के अपोजिट में देख लो बेटा क्या आता है यहाँ पे, 1 के अपोजिट मतलब ऐसा, प्लस में, 1 3 3 5, 1 3 3 5, AD माइनस BC, ठीक है, क्या आता बेटा, साइन विल बी पॉजिटिव, 5 1 5, 3 3 9, आंसर विल बी -4, ठीक है। उसके बाद A23 मतलब साइन विल बी नेगेटिव, ठीक, A23 मतलब 2 के अपोजिट में क्या लिख लेता बेटा यहाँ पे, 1 2 3 4, AD माइनस BC, तो साइन विल बी नेगेटिव, 4 1 4, 3 2 6, आंसर विल बी क्या आता बेटा, +2। उसके बाद A31 मतलब साइन क्या लगाता बेटा, पॉजिटिव लगा ले तो, ठीक है, 3 के अपोजिट में देख लो बेटा, 3 के अपोजिट में 2 3 1 2, AD माइनस BC, कितना आएगा बेटा इसका आंसर, 4 4 16, 3 1 3, आंसर विल बी हाउ मच, 4 4 नहीं 2 2 4 सॉरी
आंसर विल बी प्लस वन. ठीक है, उसके बाद ए थ्री टू मतलब साइन क्या लगेगा, नेगेटिव. ठीक है, ए थ्री टू मतलब फोर के अपोजिट में, टू वन जा फोर थ्री, क्या क्या लिख लेता बेटा यहाँ पे, फोर के अपोजिट में वन थ्री फोर टू, वन थ्री फोर टू, ए डी माइनस बी सी, तो टू वन जा टू फोर थ्री जा ट्वेल्व, आंसर विल बी क्या बेटा, ट्वेल्व में से टू गए तो कितना माइनस टेन, माइनस टू माइनस प्लस टेन. ठीक है, आखिरी वाला बच्चा बेटा ए थ्री थ्री, ए थ्री थ्री मतलब साइन पॉजिटिव लगेगा, फाइव के अपोजिट में वन टू फोर वन, वन टू फोर वन, ए डी माइनस बी सी, वन वन जा वन फोर टू जा एट, आंसर विल बी माइनस. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कोफैक्टर. कंफ्यूजन कुछ ध्यान से देख लेना बेटा. ठीक है, अपोजिट वाले टर्म मैंने प्रॉपर लिखे हैं यहाँ पे, अपोजिट वाले टर्म जो जो लगते हैं बेटा. ओके, इसको ही अगर आप ट्रांसपोज कर दो तो क्या आता बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए आता. तो अपन पहले कोफैक्टर लिख लेते, क्या कोफैक्टर अपना आया, कोफैक्टर लिख लेता बेटा यहाँ पे, व्हाट इज द कोफैक्टर बेटा हियर, माइनस थ्री माइनस फोर्टीन प्लस थर्टीन, उसके बाद प्लस टू माइनस फोर प्लस टू वन, उसके बाद क्या आता बेटा प्लस टेन, और आखिरी में कौन है माइनस सेवन. इसको अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो क्या आता बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए आता. ट्रांसपोज का मतलब जो रो में रहता है उसको कॉलम में लिखना, माइनस थ्री माइनस फोर्टीन प्लस थर्टीन, टू माइनस फोर प्लस टू वन, टेन माइनस सेवन. ठीक, कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक हो सकते बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे कैलकुलेशन पे, बस मैंने जैसा किया वैसा करो, कोई प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ होगी होगी ध्यान से देख लेना. ठीक है ना, वो आपके हिसाब से करो बेटा कैलकुलेशन, यहाँ पे देख के मत करो, आपके हिसाब से करो, क्योंकि क्या देखे तो कंफ्यूज हो जाएगा आपको. तो आपके मन से अगर कैलकुलेशन करते हो तो एकदम परफेक्ट आंसर आता है. ठीक है ना, क्योंकि बस देख लेना कि अपोजिट वाले टर्म लेने, साइन चेंज करना है, ए वन वन मतलब पॉजिटिव, ए वन टू मतलब नेगेटिव, ए वन थ्री मतलब पॉजिटिव, ए टू वन मतलब नेगेटिव, क्योंकि जैसे प्लस माइनस ऑर्डर गए तो चलता, पहला प्लस दूसरा आखिरी तक, क्या जाना बेटा लास्ट वाला कौन है प्लस रहेगा, जहां से स्टार्ट प्लस से होगा एंड भी प्लस से ही होगा, अल्टरनेटली पकड़ते जाना, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस. ओके, और वो कैसे लेना मैंने बताया था आपको, ए वन वन इवन नंबर रहा तो पॉजिटिव, ऑड नंबर रहा तो नेगेटिव, ए वन वन को ऐड करेंगे तो टू आ रहा, टू इज द इवन नंबर, उसलिए पॉजिटिव, वन प्लस टू मतलब नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, क्योंकि ऑड नंबर है, वन प्लस टू थ्री है, थ्री इज द ऑड नंबर, उसलिए साइन विल बी टेक नेगेटिव. ओके, ध्यान रख लेना अच्छे से एकदम परफेक्टली. इसी क्वेश्चन को अगर आप समझो माइनर करके देखते हो, क्या करेंगे इसको माइनर करते, माइनर में क्या होता है साइन चेंज नहीं होता है, क्या होता है बेटा प्लस माइनस में चेंजेस नहीं आते. अब इसका क्या करेंगे, कोफैक्टर के बाद माइनर करेंगे थ्री बाय थ्री का. अगर समझो मैंने कोई एक मैट्रिक्स बना ली थ्री बाय थ्री की, वन टू थ्री फोर फाइव वन, वन टू सेवन. ठीक है, कोफैक्टर में अगर आपने माइनर किया मतलब M11, 1 के अपोजिट में कौन आता, 5 7 35 माइनस 2. ठीक है, आंसर विल बी 32. प्लस माइनस में कोई चेंजेस नहीं करना है, ओनली साइन चेंज नहीं करना, जैसा है वैसे ही लिखना. अगर इसमें कहीं माइनस आता तो लिखना है. 2 के अपोजिट में कौन आता, 7 4 जा 28 माइनस 1, आंसर विल बी 27. ठीक है, M13 मतलब क्या आता, 3 के अपोजिट में 4 2 is 8, 5 1 is 5, answer will be plus 2. ठीक है, M21 मतलब 4 के अपोजिट में कौन आता, 7 2 is 14, 3 2 is 6. ठीक है, 14 में 6 गए तो कितना बेटा 8. ठीक है, M22 मतलब साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नहीं, ये किसमें कोफैक्टर में, इसमें साइन चेंज नहीं करना. 5 के अपोजिट में कितना, 7 और 3 1 is 3, answer will be plus 4. उसके बाद M23 मतलब साइन विल बी क्या आता बेटा, 1, 1 के अपोजिट पे 2 और उसके बाद माइनस 2, आंसर विल बी 0. ठीक है ना, नेक्स्ट M31 मतलब, ठीक है, प्लस माइनस का वांदे मत करो, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता याद रखना. मैं भी अगर डबल डबल बोल रहा तो सॉरी, प्लस माइनस लिखना ही नहीं है वहां पे, एग्जैक्ट जो है वही लिखना, साइन चेंज नहीं करना. ठीक है, जैसे कोफैक्टर में प्लस माइनस चेंज करते ना इवन ऑड के हिसाब से, इधर चेंज नहीं करना, उसी को माइनर बोला जाता है. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कोफैक्टर एंड माइनर. 3-1 मतलब इसके अपोजिट में कौन है बेटा, 2-1 2, 5-3 15. अब देखो यहाँ पे माइनस आता, माइनस 13, बड़े नंबर से माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस है, उसलिए अपन साइन माइनस लगा रहे. ए 3-2-1 मतलब कौन, 2 के अपोजिट में, क्या लिखेंगे बेटा 2 के अपोजिट में, 1-1 1, 4-3 12, आंसर विल बी माइनस 11. ओके, एम 3-3 बोले तो 7 के अपोजिट कौन आता बेटा यहाँ पे, 5-1 5 और
और 4 टू जा 8, आंसर विल बी -3। ये सबके सब माइनस आए यहाँ पे, तो बस एक याद रखना, माइनर का मतलब होता है साइन चेंज नहीं होता, बाकी सब ठीक है। और दूसरी बात सर, इसमें स्मॉल a11 कभी कभी पूछा जाता है यहाँ पे, a11 कैपिटल a12, स्मॉल का मतलब देखो बेटा, स्मॉल a11 मतलब कुछ नहीं लिखना, a12 मतलब क्या होता बेटा, 2 ये वाला ठीक है, a13 मतलब 3, उसके बाद a21 मतलब 4, a22 मतलब 5, a23 मतलब 1 ठीक है, उसके बाद a31 मतलब साइन विल बी 1, a32 मतलब साइन विल बी 2 और a33 मतलब साइन विल बी 7। याद रखें प्लस माइनस में थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, बाकी चीजें आपको चल जाएगी, बस कोफैक्टर पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देख लेना ठीक है। एनी कंफ्यूजन देख लो बेटा, कोफैक्टर क्लियर हो गया, माइनर क्लियर है, उसमें 2/2 क्लियर हुआ, 3/3 भी आपको क्लियर हो चुका है, तो याद रख लेना इसमें ठीक है। नेक्स्ट मेथड पे चलते बेटा, इनवर्स मेथड। कौन सा मेथड बेटा? इनवर्स मेथड ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड है इनवर्स मेथड इन 2/2 फॉर्म, इनवर्स मेथड इन 2/2 ठीक है। अब समझो बेटा, मेरे पास इनवर्स मेथड है, जैसे कि क्वेश्चन बोला गया 1 3 4 5, फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स अगर बोला जाता तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स बेटा? ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या है? डी माइनस बी माइनस सी ए। ओके, ये होगा बेटा अपने ए इनवर्स का फॉर्मूला ठीक है ना। मेन बात ये है, इसमें याद रखना बेटा, मॉड ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए, इन दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना ठीक है ना। चल अब सीधी सी बात, पहले वेरीफाई कर दे कि भाई डिटरमिनेशन क्या होता है इसका। डिटरमिनेशन का मतलब क्या होता है? एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी ठीक है, क्या आएगा चेक कर लो, 5 4 3 जो कितना बेटा 12, 5 1 5 4 3 12, आंसर विल बी -7, मतलब नॉट इक्वल टू आगे आ रहा है तो अपन आगे जा सकते हैं ठीक है ना। तो देखो बेटा आपके पास क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिख लेता, 1 बाय मॉड ए, मतलब या डिटरमिनेशन ये मतलब -7 लिख लेता हूँ, क्योंकि देख लो 5 1 5 4 3 12, 5 में से 12 गए तो -7 ठीक है। और डी माइनस बी माइनस सी, ए बी सी डी आपको देखे है, ए बी सी डी दिया, तो डी मतलब कौन है 5, -3 उसके बाद -4 उसके बाद क्या था +1, तो अगर आपको डिवाइड करना है इनवर्स इक्वल क्या लिख लेते बेटा 5 अपॉन -7, 5 अपॉन -7, -3 अपॉन -7, -4 अपॉन -7, 1 अपॉन -7, माइनस माइनस दोनों कटेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिख लेता -5/7, 3/7, 4/7, -1/7, दिस इज कॉल्ड एज ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एनी कन्फ्यूजन? इनवर्स मेथड मतलब क्लियर होगा एवरीवन, ध्यान से देखना बेटा, 1 बाय मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इन 2/2 फॉर्म ठीक है ना। एडजॉइंट ए मतलब डायरेक्ट लिख लेते बेटा फॉर्मूला, डी माइनस बी माइनस सी ए, ए बी सी डी के फॉर्म को अपन क्या लिखेंगे, एडजॉइंट का फॉर्मूला डी माइनस बी माइनस सी ए, डिटरमिनेशन ये मतलब ए डी माइनस बी सी, डिटरमिनेशन इक्वल टू कितना आता -7, तो इनवर्स का फॉर्मूला 1 बाय -7, 5 -3 -4 1, ए इनवर्स इक्वल टू -5/7, 3/7, 4/7, -5/7, दिस इज कॉल्ड एज विच मैट्रिक्स बेटा, इनवर्स मैट्रिक्स इन 2/2 फॉर्म ठीक है। आगे चलते बेटा 3/3 देख लेते एक बार ठीक है। 3/3 क्या हो सकता है, 3/3 मैट्रिक्स देख लेना, 1 2 3 4 5 1, 3 2 7 या 2 लिख लो, फाइंड ए इनवर्स ओके। इसके कुछ शॉर्टकट्स भी है, मैं बताता हूँ शॉर्टकट्स भी बताता हूँ आखिरी में, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अपन क्लियर कर लेते सबके, जो टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट जाना वो बहुत जरूरी है, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब आपको हर चीज का शॉर्टकट बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट पहले अच्छे हुआ तो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आई ना, तो शॉर्टकट का अपने को बहुत यूज हो सकता है ठीक है ना। तो ए इनवर्स बोले देखो बेटा फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू क्या लिख लेता बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि 2/2 के लिए एडजॉइंट का फॉर्मूला कोफैक्टर ही करना पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। डिटरमिनेंट ए का मतलब क्या होता है, 1 के अपोजिट में 5 1 5, 2 1 2, -2 के अपोजिट में 4 1 4 -3, और +3 के अपोजिट में
फोर टू जा एट, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव में से टू गए तो थ्री, फोर में से थ्री गए तो प्लस वन, एट में से फिफ्टीन गए तो हाउ मच बेटा माइनस सेवन, थ्री माइनस टू माइनस सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, थ्री माइनस ट्वेंटी थ्री, ठीक है तो कितना आता बेटा आंसर माइनस ट्वेंटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, आगे बढ़ सकते हैं अब, ठीक है चल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गए, देखो बेटा 5 1 5 2 1 2 प्लस 2 बोले तो माइनस 2 लेना है कभी मिडिल में, और 4 1 4 3 1 3 और प्लस 3 के अपोजिट में 4 2 8 8 5 5 3 15, 8 में से 15 गए तो माइनस 7, सिंपलीफाई किए तो माइनस 21 माइनस 2 माइनस 23, 23 में से 3 गए तो माइनस 20, ठीक है अब चलते बेटा कोफैक्टर ऑफ इट, कोफैक्टर मतलब देखो आपको पता है स्मॉल a1 मतलब साइन प्लस लगता है तो उसके अपोजिट में कौन आता बेटा a1 के अपोजिट में 5 1 5 माइनस 2 तो आंसर कितना है बेटा प्लस 3, और उसके बाद a12 मतलब साइन क्या यूज होता नेगेटिव क्योंकि ऑड नंबर है, 2 के अपोजिट में कौन आता बेटा आपको देख लो 2 के अपोजिट में 4 1 4 माइनस 3 आंसर विल बी प्लस 1, ठीक है उसके बाद a12 मतलब साइन विल बी पॉजिटिव, 3 के अपोजिट में कौन आता बेटा ध्यान से देखना 4 2 8 5 3 15 आंसर विल बी माइनस 7, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास a21, a21 मतलब साइन विल बी नेगेटिव, 4 के अपोजिट में 2 1 2 3 2 6 प्लस 4 आ जाता a22 बोले तो साइन विल बी पॉजिटिव, ठीक है 5 के अपोजिट में 1 1 1 3 3 9 आंसर विल बी माइनस 8, a23 मतलब साइन विल बी नेगेटिव, ठीक है 2 1 2 3 2 6 आंसर विल बी प्लस 4, ठीक है ए थ्री वन मतलब साइन विल बी पॉजिटिव, टू वन जा टू फाइव थ्री जा फिफ्टीन आंसर विल बी माइनस 13, उसके बाद ए थ्री टू मतलब साइन क्या लगता बेटा नेगेटिव लगता, टू के अपोजिट में वन वन जा वन फोर थ्री जा ट्वेल्व तो आंसर विल बी प्लस 11, उसके बाद ए थ्री थ्री मतलब साइन विल बी पॉजिटिव, वन के अपोजिट में कौन आता बेटा फाइव वन जा फाइव फोर टू जा एट, ठीक है आंसर विल बी माइनस 3, इसी को ट्रांसपोज करते हो तो क्या आता बेटा एडजॉइंट ऑफ ईआर, कैसे ट्रांसपोज करना जो कॉलम में रो में लिखने को डायरेक्ट कॉलम में लिख लेते, कैसे डायरेक्ट बता देता हूं एडजॉइंट ऑफ ए मतलब डायरेक्ट लिख लेते बेटा देख लो यहां पे क्या लिख लो बेटा डायरेक्टली प्लस 3 उसके बाद प्लस 1 माइनस 7 उसके बाद प्लस 4 माइनस 8 उसके बाद प्लस 4 माइनस 13 प्लस 11 उसके बाद माइनस, डायरेक्ट एडजॉइंट लिख सकते हैं जैसे कि अपन रो में लिखते हैं ना वैसा लिखते ना डायरेक्टली अपन क्या लिखेंगे उसको बेटा कॉलम में लिखते हैं उसी को अपन डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ, उसको खाली कोफैक्टर लिख के ट्रांसपोज करने की गरज नहीं, सीधा जो रो में लिखने की जगह कॉलम में लिखे तो एडजॉइंट ऑफ ही निकल जाता, ठीक है चलो अपना फॉर्मूला क्लियर होगा बेटा डायरेक्ट उठा के फॉर्म में डाल दो ए इनवर्स इक्वल टू आपको 1 बाय मॉड ए की वैल्यू माइनस 20 है और एडजॉइंट ऑफ ए लिख देना खत्म आंसर, ठीक है आपको डिवाइड करना है करो नहीं तो छोड़ दो, जैसे कि ए इनवर्स इक्वल क्या लिख लेते बेटा 1 अपॉन कितना है अपने पास माइनस 20 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपको पता है ये वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है माइनस 20 दिस इज कॉल्ड एज कोफैक्टर इन 3 बाय 3 फॉर्म, ठीक है कोफैक्टर बोल रहा हूँ सॉरी इनवर्स मेथड इन 3 बाय 3 फॉर्म, विच फॉर्म इनवर्स मेथड इन 3 बाय 3 फॉर्म, ओके चलो नेक्स्ट आगे देखते बेटा कल के लेक्चर में, आज के लिए इतना क्लियर हो जाता है कि कल और एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दोनों भी टॉपिक देखते हैं, ओके ये 3 बाय 3 है और किसी को दिक्कत हुई तो कमेंट करके बताना, वन मोर टाइम आई विल रिपीट द मेथड, ठीक है चलो।